जनपद बुलंदशहर के थाना के गांव नवीन नगर का मामला सामने आया है, जहां लड़की के परिवार ने लड़के के परिवार पर दहेज का झूठा मुकदमा 8 अक्टूबर 2022 को दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सच्चाई जानने के लिए पल्स 24 न्यूज चैनल की टीम बुलंदशहर के नवीन नगर गांव में पहुंची, तो नवीन नगर के गांव निवासियों ने बताया कि लड़की के पिता ने लड़कों के पिता पर दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। नवीन नगर के निवासियों ने सारी सच्चाई कैमरे के सामने आकर बताई। आए दिन लड़कियां लड़के परिवार से झगड़ा करती है और दहेज के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दिया करती थी। कमरुद्दीन जो लड़कियों का पिता है, मलक धनोरी गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। कमरुद्दीन ने थाने में तहरीर देते हुए पत्रकारों से झूठ बताते हुए कहा कि उसने एक बेटी की शादी 2021 में की थी और दूसरी बेटी की 14 मार्च 2022 को शेरुद्दीन निवासी नवीन नगर बुलंदशहर में की थी। गांव निवासियों यह भी बताया कि आए दिन लड़कियां अपने सास ससुर से गाली गलौज और बदतमीजी करती थी। कमरुद्दीन अपने दोनों बेटियों को झगड़े के लिए उकसाता था। छोटी बेटी सास और ससुर से झगड़ा करती थी तो बड़ी बेटी झगड़े की वीडियो बना अपने पिता कमरुद्दीन को भेज दिया करती थी। आए दिन कमरुद्दीन की बेटियां नए नए तमाशा करती थी। कमरुद्दीन ने जो फर्नीचर का सामान वे आभूषण अपनी लड़कियों की शादी में दिया था, वह सामान जबरन अपने साथियों के साथ मिलकर शरुद्दीन के घर से निकाल कर ले गए। अब देखना यह है कि पुलिस इस मुकदमे में निष्पक्ष जांच करती है या नहीं।